Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है अपना एक एक कदम डेली बढ़ाते हुए अपनी सफलता की ओर अग्रसर है और हम लोगों ने 22 चैप्टर समाप्त किया और आप लोगों का प्रेम और स्नेह जो मिला है बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और आप लोग जो है इसको और शेयर कीजिए और वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट जरूर किया कीजिए कि कैसा था वीडियो, समझ में आया या नहीं आया। तो आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि है डायरेक्शन, मतलब दिशा परीक्षण। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ आपको ग्रुप पे भेज दी जाएगी, आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद एक चीज और सुनिए, दिशा परीक्षण में टोटल 9 टाइप हैं हमारे, ठीक। पहले जो है 7 टाइप बनते थे इसके, फिर जो है पिछले 3 साल से 2 टाइप इसमें बढ़ा दिए गए। वो 2 टाइप कौन से बढ़ाए गए? एक तो हमारा सूर्य वाला बढ़ाया गया कि मतलब सुबह का समय है, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, तो परछाई वाला जो है एक ये टाइप बढ़ा। और दूसरा टाइप ये बढ़ा कि एक ट्रेन जा रही है और धुआं भी मतलब निकल रहा है, हवा इस स्पीड से चल रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा, तो ये 2 टाइप आपका इसमें बढ़ गया है। तो टोटल इसमें कितने टाइप है? 9 टाइप इसमें हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे हमने डाइस वाले में कंप्लीट किया था उसी तरह इसमें भी हम पढ़ेंगे। कहीं समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए सबको जल्दी से, उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो शेयर करिए, हेलो, आप लोग कमेंट में आ जाइए, कमेंट करिए एक बार। हेलो मुकेश, मोहित, सुनील, अजय, पंकज, देवेश, गुड इवनिंग। तो आप लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और देखिए, अगर आप लोग जो है शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो मैं जो है पूरा जितना मैंने बताया है उतना मैं पूरा करवा दूंगा आप लोगों का, और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आप हल ना कर पाए। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन में। हमारा जो टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट क्या है? देखिए, टाइप फर्स्ट में हमको जो है केवल दिशा दी गई रहेगी। क्या दी रहेगी? केवल केवल दिशा। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अभी हम टाइप वन पे बाद में चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आखिर है क्या, दिशा क्या है। तो हम लोगों को पता होगा, नॉर्मल बात है, 4 दिशा तो हम लोग जानते ही हैं। कौन कौन सी दिशा जानते हैं हम लोग? हम लोग पूर्व जानते हैं, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ठीक। तो अब देखिए, जैसे अगर ये पूरब है और ये उत्तर है, कोई अगर तिरछा चल रहा है, मतलब अगर कोई इस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा हमारी कौन सी होगी? भाई ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये दिशा हमारी हो जाएगी उत्तर पूर्व, ठीक। कहीं समस्या हो तो आप बताइए। फिर अब इधर दिशा, अगर इस दिशा में कोई जा रहा है तो देख रहा हूं ये उत्तर है, ये पश्चिम है, अर्थात ये दिशा हो जाएगी हमारी उत्तर पश्चिम, ठीक। अगर कोई इस दिशा में जा रहा है तो हम देख रहे हैं ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, अर्थात ये दिशा हमारी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ठीक। उसके बाद अगर इस दिशा में कोई जा रहा है तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिण और, ठीक। तो ये तो हमारे नॉर्मल था कि जो दिशा है, टोटल 8 दिशाएं होती हैं और 8 दिशा की चर्चा हमने कर दी। एक चीज और समझिए, अगर कोई आदमी इस तरह खड़ा है और अगर ये कहता है कि बाएं मुड़ गया, तो मुड़ेगा तो ऐसे थोड़ी चलेगा, मुड़ेगा तो सीधा ऐसे, अर्थात अगर कोई व्यक्ति मुड़ता है तो वो अपने 90 अंश के कोण पर मुड़ता है। मतलब अगर कोई इस तरह है, इस तरफ देख रहा है और कह दिया गया कि वो बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ने का मतलब कि इधर मुड़ जाएगा, अर्थात अब वो जो है पश्चिम की तरफ देखने लगेगा। एक चीज और समझिए, क्या है जो हमारा बायां और दायां का कांसेप्ट है? तो
बाया अगर कहे तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं ये चल रहा हूं और कह दिया बाएं मुड़ गया अर्थात इधर मुड़ गए, फिर कहा कि बाएं मुड़ गया अर्थात इधर मुड़ गए, फिर कहा बाएं मुड़ गया अर्थात इधर मुड़ गए, फिर कहा बाएं मुड़ गया अर्थात इधर मुड़ गए, तो हम क्या देख रहे हैं अर्थात अगर बाएं मुड़ने की बात की जाएगी तो हम लोग एंटी क्लॉक वाइज घूम जाएंगे, अगर बाएं मुड़ने की बात की जाएगी तो हम लोग एंटी क्लॉक वाइज घूम जाएंगे। उसी तरह अगर दाएं मुड़ने की बात की जाएगी, दाएं मुड़ने की बात की जाएगी, तो दाएं मुड़ने के लिए आप दो कॉन्सेप्ट समझिए, एक तो इससे तो समझ में आएगा ही क्लॉक वाइज घूमिए, मतलब अगर आप ऐसे जा रहे हैं कोई कहा दाएं मुड़ जाइए अर्थात इस तरफ, 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 यानी कि अगर कोई दाएं मुड़ने की बात करे तो आप क्लॉक वाइज घूम जाइए। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कह दे उत्तर के दाएं कौन सा है, दाया अगर कह रहा है क्लॉक वाइज, मतलब उत्तर के दाएं आपका पूर्व, पूर्व के दाएं आपका दक्षिण, दक्षिण के दाएं आपका पश्चिम, पश्चिम के दाएं आपका फिर से उत्तर, लेकिन अगर बाएं की बात किया जाएगा तो एंटी क्लॉक वाइज, मतलब उत्तर के बाएं, बाएं मतलब पश्चिम, अर्थात इधर हमारा होता है बाया और इधर हमारा होता है दाया। दो कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, इधर हमारा बाया और इधर हमारा दाया। और एक चीज समझिए, अगर आप जिस हाथ से लिखते हैं, जिस हाथ से कलम पकड़ते हैं, अगर आप उस दिशा में घूम रहे हैं तो वो आपका हमेशा दाया रहता है। कुछ लोग जो है बाएं हाथ से भी लिखते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग दाएं हाथ से लिखते हैं उनकी बात कर रहा हूं, कि जिधर जिस हाथ से आप लिखते हैं अगर उधर मुड़ रहे हैं तो जान लीजिए आप दाएं मुड़ रहे हैं। तो ये तो मुड़ने से संबंधित जो साधारण कॉन्सेप्ट थे वो हमने बता दिए। अब एक चीज और समझिए कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं या कोई भी व्यक्ति खड़ा है और कह दिया गया कि अब मैं जो है अगर इधर देख रहा हूं, अर्थात मैं अगर पूरब की तरफ देख रहा हूं, इस समय पूरब की तरफ देख रहा हूं, तो देखिएगा मैं घूमने चल रहा हूं, एक बार मैं घूम गया, दो बार मैं घूम गया, तीन बार मैं घूम गया, चार बार मैं घूम गया, मतलब कि एक आदमी जब चार बार एक ही दिशा में घूमता है तो वह फिर से उसी दिशा में देखने लगता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में देख रहा है, किस दिशा में, पूर्व दिशा में अगर कोई देख रहा है और वो चार बार घूमता है, कितनी बार, चार बार, चाहे चार बार लेफ्ट घूम जाए, चाहे चार बार लेफ्ट घूम जाए और चाहे चार बार वो राइट घूम जाए, तो चार बार घूमेगा अगर तो वो फिर भी उसी दिशा में देखता रहेगा। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि चार चार के जोड़े पर इंसान की दिशा नहीं बदलती है, ठीक। तो चलिए हम जो टाइप वन है हमारा, टाइप वन हमारा इसी पर आधारित है, टाइप वन हमारा घूमने पर आधारित है। जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं टाइप वन का, और एक प्रश्न क्या लेते हैं आप सुनिएगा, पहले मेरी बात सुनिए, एक प्रश्न आपको लिखा के मैं बताऊंगा, बाकी प्रश्न लिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए एक प्रश्न आप पहले समझ लीजिए, प्रश्न लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो आप केवल एक चीज याद रखिएगा, वो क्या याद रखिएगा देखिए मैं बताता हूं। अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो आप केवल एक चीज याद रखेंगे, वो क्या याद रखेंगे सुनिए, किस दिशा में वो जा रहा है ये देखिए, वो जा रहा है उत्तर दिशा में, यही आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप देखिए कहां कहां होगा वो। अगर केवल दिशा पूछी जाए, जैसे टाइप वन देख रहा हूं मैं केवल दिशा, तो केवल दिशा से संबंधित बता रहा हूं, मतलब दूरी अभी नहीं बता रहा, जब दूरी दी गई रहेगी तब क्या करेंगे उसको बाद में देखेंगे, पहले ये देख लीजिए। अगर केवल दिशा पूछे हमसे, जैसे पूछ रहा है इसमें, इस प्रश्न में पूछ रहा है किस दिशा में जा रहा है, मतलब हमसे केवल दिशा पूछा है,
तो अगर केवल दिशा पूछे तो आप ये देखिए कितनी बार आदमी घूमा है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। मतलब क्या हुआ, एक बार वह बाएं मुड़ा, फिर एक बार वह दाएं मुड़ा, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गया। ठीक, इसका मतलब कि वह आदमी तीन बार मुड़ा है, एक बार बाएं, एक बार दाएं, फिर एक बार बाएं। इसमें आप कैंसिलेशन मेथड लगाएंगे, मतलब कि अगर मैं यहां खड़ा हूं, और मैं एक बार बाएं मुड़ गया, तो मैं बाएं मुड़ गया, एक बार ये बाएं मुड़ गया, और उसके बाद फिर एक बार दाएं मुड़ गया, तो फिर एक बार ये दाएं मुड़ गया, अर्थात फिर से मैं उसी दिशा में देखने लगा जिस दिशा में मैं देख रहा था। तो इससे हमको क्या पता चला कि अगर आदमी वही आदमी एक बार बाएं घूमेगा, एक बार दाएं घूमेगा, तो फिर से उसी दिशा में देखने लगेगा। तो वही चीज है कि एक बार बाएं घूमा और एक बार दाएं घूमा, अर्थात ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा बाएं से दाएं कट जाएगा, तो बचा क्या बाएं। इसका मतलब कि वह आदमी एक बार बाएं घूम जाएगा, उस आदमी को एक बार बाएं आप घुमा दीजिए, तो जब उत्तर को हम बाएं घुमाएंगे तो अर्थात उसकी दिशा क्या हो जाएगी, उसकी दिशा हो जाएगी पश्चिम, और यही हो जाएगा अहसो। कहीं समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिए। पंकज, मोहित, आशीष, दिलीप, सुरेश, सुनील, अनिरुद्ध, ठीक है। तो ये सब था, जैसे कि एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, सुनिए एक प्रश्न और देखते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप लोग समझ चुके हैं। इसी नियम का एक प्रश्न और देखिए, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, जो कि पता है हमको कि जो हमारी इधर है वो पूर्व है, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, वह एक बार दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो वह अब किस दिशा में देख रहा है, चाहे जितनी बार हो उसको कोई मतलब, केवल आपको यही लिखना है, बस प्रश्न पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद केवल यही लिख लीजिए कितनी बार मुड़ रहा है, मात्र आपको देखते ही उत्तर पता चल जाएगा कितनी बार मुड़ रहा है। तो केवल आप काटते चले चलिए, क्या काटेंगे भाई, दाएं से बाएं कट गया, दाएं से बाएं कट गया, दाएं से बाएं कट गया, अर्थात ये सब कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो जाए तो जिस दिशा में वो चल रहा था उसी दिशा में वो चलता रहेगा, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। अगर अभी यही प्रश्न होता और इसमें जो है एक बार दाएं मुड़ता, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा देखिए, एक बार दाएं मुड़ता, फिर बाएं मुड़ता, फिर बाएं मुड़ता, फिर बाएं मुड़ता, फिर दाएं मुड़ता, तो अगर प्रश्न बन जाए कि अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो प्रश्न वही है कि एक आदमी पूर्व की ओर देख रहा था या पूर्व की ओर चल रहा था और वो इतनी बार मुड़ जाता है, तो चलिए कैसे करिए भाई, दाएं से बाएं कट गया, बाएं से दाएं कट गया, एक बाएं बच गया, इसका मतलब कि वह आदमी पूर्व की ओर चल रहा था और एक बार वह किधर घूम जाएगा, जो हमारा शेष बचेगा, अर्थात बाया शेष बच गया, तो एक बार वह बाएं घूम जाएगा, और बाएं घूमने का मतलब क्या हुआ कि अर्थात पूर्व का जब बाया करेंगे तो अब वह जो है किस दिशा में देखने लगेगा, अब वह उत्तर दिशा में देखने लगेगा, यही है आंसर। जैसे एक प्रश्न और देखिए जिसमें आपको संख्या दी गई, कह दिया गया कि एक आदमी दक्षिण की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, एक आदमी दक्षिण की ओर जा रहा है, क्योंकि दक्षिण नीचे है इसलिए मैंने नीचे तीर का निशान लगाया, कह रहा है कि वह आदमी 500 बार दाएं घूमता है, 500 बार दाएं घूमता है और 300 बार बाएं घूमता है, 500 बार दाएं घूमता है, 500 बार दाएं घूमता है, 300 बार बाएं घूमता है, तो वो अब किस दिशा में देख रहा है। तो सबसे पहले मैंने कहा कैंसिलेशन मेथड लगा दीजिए आप,
तो 300 बाएं से 300 दायां खत्म होगा, अर्थात हमारे पास बचेगा क्या 200 दायां, मतलब 200 बार वह दाएं घूम जाता है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आदमी चार बार किसी दिशा में घूम जाए, चाहे चार बार बाएं घूमे चाहे चार बार दाएं घूमे, अगर वो चार बार घूम जाएगा तो जिस दिशा में वो देखता है उसी दिशा में देखता रहेगा। तो यहां पे देख रहा हूं 200 आ गया, तो 200 को चार से भाग दीजिए, तो चार से भाग देने पर देख रहे हैं पूरा पूरा कट जा रहा है, चार से भाग देने पर पूरा पूरा कट जा रहा है। अगर चार से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए तो जिस दिशा में वो आदमी देख रहा है उसी दिशा में देखता रहेगा। अगर पूरा पूरा आपका कट जाए तो जिस दिशा में देख रहा है उसी दिशा में आदमी देखता रहेगा, अर्थात दक्षिण आ जाएगा आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ये भी इसी टाइप का। एक आदमी 505 बार दाएं घूमता है और 200 बार बाएं घूमता है। 505 बार दाएं घूमता है, 200 बार बाएं घूमता है, तो वह अब किस दिशा में देख रहा है? और अगर है इसमें कि वह आदमी जो है पश्चिम की ओर देख रहा है, मान लीजिए प्रश्न है कि एक आदमी पश्चिम की ओर देख रहा है, वो 505 बार दाएं घूमता है 200 बार बाएं घूमता है, तो वह अब किस दिशा में चल रहा है? तो मैंने बताया कि सबसे पहले आप कैंसिल करके कितना बचता है देखिए, तो जब घटाएंगे तो हमारे पास 305 बचेगा क्या दायां, यानी कि 305 बार दाएं घूमता है। अब हमने कहा कि जब हम घटा लेंगे तो उसको चार से भाग दे दीजिए, तो चार से भाग देंगे तो 4 7 28, 2 3 25, 4 6 24, यानी 76 और 1 शेष बच जाएगा। क्या बचेगा? 1 शेष बच जाएगा। तो अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो जिस दिशा में देख रहा है उसी दिशा में देखता रहेगा, और अगर शेष बच जाएगा तो शेष क्या बचा? शेष बचा हमारा एक बार दाएं, यानी कि शेष हमारे पास क्या बचा? एक दाएं। तो पश्चिम की ओर अगर देख रहा है और एक बार दाएं घूम गया तो पश्चिम का दाया क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। अर्थात वह आदमी इस समय किस दिशा में देख रहा है? दक्षिण की दिशा में देख रहा है। ठीक, तो ये था हमारा टाइप 1। टाइप 1 में कहीं भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। ठीक, तो अगर ज्यादा लोग देखेंगे तभी जो है ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, नहीं तो 1 2 3 चैप्टर के बाद ये फिर बंद कर। तो आप लोग के ऊपर है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो आपको ये क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। ठीक, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार।